हेलो एवरी वन माइसल वृंदा कौशिक आई एम प्रेजेंटली स्टडिंग इन मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड आई रिसेंटली कम्पलीटेड माई फर्स्ट ईयर सो आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ आर्टिल ब्लड प्रेशर एंड आई गॉट दिस ऑपरचुनिटी फ्रॉम द यूट्यूब चैनल एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेस सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक तो ये जो हमारी बॉडी में रेगुलेशन है ये बेसिकली चार मैकेनिज्म से होता है नर्वस मैकेनिज्म रीनल मैकेनिज्म, हार्मोनल और लोकल मैकेनिज्म। इनके नाम में ही पता चल रहा है कि ये मैकेनिज्म किसके थ्रू रूल होते हैं हमारी बॉडी में जैसे नर्वस मैकेनिज्म हमारे वेजो मोटर सेंटर और पेरिफेरल इंपल्सिस के थ्रू किया जाता है वहीं रीनल मैकेनिज्म हमारी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड की रेगुलेशन और रेनेट एंजियोटेंशन एल्डोस्टिर मकेनिज्म से किया जाता है और ये सब हम रीनल फिजियोलॉजी में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं जब हम हार्मोनल मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी हमारा आर्टीवियल ब्लड प्रेशर में कुछ चेंज आएगा लोकल मैकेनिज्म में हम लोकल कंस्ट्रिक्ट और लोकल वेजो की बात करते हैं जब हम वेजो कंस्ट्रिक्ट कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेजो बोल रहे हैं तो हम मेनली आर्टरीज की बात करते हैं क्योंकि जब हम वेन्स बोलना चाहेंगे तो हम वीनो वर्ड का यूज करते हैं अब इन मैकेनिज्म में से हम सबसे पहले नर्वस मैकेनिज्म की बात करते हैं नर्वस मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी में वो वेजो मोटर सेंटर के थ्रू रूल होता है ये मैकेनिज्म को शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मैकेनिज्म कहा जाता है अब हमें पता है कि नर्वस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चाहे किसी भी चीज़ का हो इट इज वेरी क्विक इन एक्शन लेकिन ये मैकेनिज्म बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और एकदम से जो नया प्रेशर हमारी बॉडी में जनरेट हुआ है उसको अडेप्ट कर जाएगा इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म कहा गया और इसीलिए हमें देख, हमने अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में नर्वस मैकेनिज्म एब्रप्ट चेंज इन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आता है इस मैकेनिज्म के अंदर ही हमारे पास तीन डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं जैसे कि हमारा रिसेप्टर मैकेनिज्म कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म और सीएनएस एशेमिक रिस्पॉन्स अब हम बात करते हैं रिसेप्टर मैकेनिज्म की इनके नाम में ही है यानी कि दे आर सेंसिटिव टू प्रेशर और वी कैन से स्ट्रेच टू द वेसल्स अब हम जब बेरो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने बेरो रिसेप्टर्स हैं। हमने बेरो रिसेप्टर्स को लोकेशन के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया आर्टीरियल और कार्डियक आर्टीरियल हमारे पास सिस्टमिक पल्मोनरी जिसमें हमने सुना हुआ है कैरोटेड साइनस आता है एरोटिक आर्क आती है कार्डियक में हमारे पास आर्टीरियो केवल नाम से ही पता चल रहा है एट्रियम का वो पार्ट जहां पर वेना केवा आती है पल्मोनरी रिसेप्टर्स वो पार्ट जहां पल्मोनरी आर्टरीज़ एंड बेन्स हैं एट्रियल और वेंट्रिकुलर ओवरऑल कार्डियक मस्कुलेचर में हमें देखने के लिए मिलता है यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नर्वस सप्लाई का जो हमारी नर्वस सप्लाई है वो सारे ही बेरोप्टर्स की वेगस नर्व से होती है हमें पता है वेगस नर्व हमारी टेंथ क्रेनियल नर्व है लेकिन केवल कैरोटेड साइनस एक ऐसा आ, बेरोसेप्टर है जिसकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से होती है अब हम देख लेते हैं कि हमारे बेरो रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं इनका एक नॉर्मल टोनिक इफेक्ट है कि ये जो हमारा वेजो मोटर सेंटर जिसको मैं आगे वीएमसी कहकर के बुलाऊंगी उसको इनहिबिट करते हैं और कार्डियो वेगल सेंटर जिसको सीवीसी कहूंगी उसको स्टिमुलेट करते हैं अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं सपोज हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर वेसल्स पे स्ट्रेच प्रोड्यूस करेगा यानी कि यह हमारे वेरो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा ये इंपल्स हमारे टेंथ और नाइन्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉली में जाएंगे अब हमने देखा अगर ये स्टिमुलेट हुए तो ये वीएमसी को इनहिबिट करने लगेंगे सीवीसी को स्टिम्युलेट अब वीएमसी जो है ये हमारा सिंपथेटिक सप्लाई देता है वहीं सीवीसी पैरासिंपथेटिक सप्लाई देगा यानी कि अगर हम सिंपथेटिक सप्लाई को इनहिबिट कर दें तो वेसल्स की डायलेशन होने लगेगी अगर सीवीसी स्टिमुलेट कर दिया तो ब्रेडी कार्डिया और रिडक्शन इन मैंने ये सीओ कार्डियक आउटपुट के लिए लिखा है तो रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट होने लगेगा यानी कि इन दोनों की वजह से डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर यानी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में पहुंच गया तो ये तो बात थी बेरोप्ट के बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म के बारे में इनके भी नाम में ही है कीमो यानी कि दे आर सेंसिटिव टू द चेंज इन केमिस्ट्री ऑफ ब्लड अब हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स कहां कहां है पेरिफेरल बॉडी में एंड मेडुलरी सिस्टम में तो मेडुलरी सिस्टम में तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके वेंट्रल सरफेस पर है पेरिफेरली हमें कैरोटिड बॉडी और एयोटिक आग की फॉर्म में मिलते हैं ये स्टिम्युलेट होते हैं हाइपोक्सिया से वेस्कुलर स्टेसिस एस्फिक्सिया, ड्रग्स एंड इंक्रीज इन के प्लस वहीं ये स्टिम्युलेट होता है स्टिम्युलेटेड बाय द एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन काम कैसे करते हैं ये काम करते हैं अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ अगर ब्लड ट्रो डिक्रीज हुआ तो हमारे मेटाबोलाइट यानी कि ओ टू कम हो जाएगा सीओ टू बढ़ जाएगा एच प्लस बढ़ जाएगा तो ये कीमोरिसेप्टर एक्साइट होते हैं इंपल्स देते हैं बेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर को ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लड फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो सॉरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वापस से नॉर्मल हो गया यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कीमो रिसेप्टर्स है मेन रोल मेंटेन काम मेन रोल इनका रेस्पिरेशन मेंटेन करने में है रेदर देन ब्लड प्रेशर अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज सीएनएस एस्टेमिक रिस्पॉन्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तभी ऑपरेट होगा जब हमारा ब्लड प्रेशर बिलो 50 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी पहुंच जाएगा इसमें भी बहुत ही इजी मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर कम हुआ तो सीएनएस में चेमिया हो गया सीओ टू अकेमुलेट होने लगा सीओ टू डायरेक्टली वेजोमोटर सेंटर के प्रेशर एरिया को स्टीमुलेट करेगा एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल्पथेटिक डिस्चार्ज के कारण हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो यहीं पर हमारा नर्वस मैकेनिज्म कंप्लीट होता है जो कि शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म कहलाता था अब हम अपने नेक्स्ट मैकेनिज्म पे आए विच इज द रीनल मकैनिज्म इसको हमने लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म भी कहा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन अब सपोज हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ही स्लोली ऑल्टर हो रहा है तो नर्वस मैकेनिज्म तो उसको जज नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे उसके साथ अडेप्ट होने लगेगा और उसकी सेंसिटिविटी को लूज कर देगा इन कंडीशंस में हमारा जो रीनल मैकेनिज्म है वो एफिशिएंटली ऑपरेट करता है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके ये मेजरली दो वेज में काम करता है पहला हमारा डायरेक्ट मैकेनिज्म है और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म इसके बारे में हम यूजुअली पढ़ लेते हैं हमारी रीनल फिजियोलॉजी में तो यहां पे हम एक क्विक रिविजन उस टॉपिक को भी दे देते हैं हमारे पास डायरेक्ट मैकेनिज्म है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है डायरेक्ट मैकेनिज्म को रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म भी कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड मैकेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि यहां पर हम इसी के साथ खेलेंगे इनडायरेक्ट में हमारे पास मैकेनिज्म और रेनिन-एंजिओटेन्सिन मैकेनिज्म। अब हमें पता है हमारी बॉडी में कहीं पर भी मतलब अगर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होता है तो किसी भी टिश्यू की परफ्यूजन कम हो जाएगी यानी कि एस्टेमिया हो जाएगा इस एस्टेमिया के कारण हमारा जीएफआर डिक्रीज हुआ इसके कारण ब्लड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन इंक्रीज हुआ इस इन दोनों स्टेप्स के कारण हमारा जो जक्स्ट्रा है किडनी में वो रेनिन रिलीज करेगा ये रेनिन जाकर के एनजियोटेन्सिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करेगा जो कि एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा अब जो टिश्यू परफ्यूजन कम हुआ था ये जाके एड्रीनल कॉटेक्स को स्टिम्युलेट करेगा जो एल्डोस्टेर सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे यही एड्रीनल कॉटेक्स ड्यू टू एंजियोटेंसिन टू भी इंक्रीज होती है जिसको हमने इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टू का हमारे पास एंजियोटेंसिन टू का डायरेक्ट इफेक्ट भी है किडनीज पर कि ये एकदम जाके वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रिटेंशन को इंक्रीज कर देगा किडनी में भी मतलब एल्डोस्टेर भी किडनी से यही काम करवाता है अब ये करने से मतलब हमने ओवरऑल अभी तक ये देखा कि इवेंचुअली हमें यही करवाना है ये करने से क्या होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड वॉल्यूम इंक्रीज होगा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और इवेंचुअली हमारा ब्लड प्रेशर वापस से इंक्रीज हो जाएगा एनजीओटेंसन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता ही है कि ये बहुत ही पोटेंट जनरलाइज्ड वेजो कंस्ट्रिक्टर है यानी कि ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का भी काम करता है इसी के साथ हम रैप अप कर देते हैं अपना रीनल मैकेनिज्म भी अब हम अपना नेक्स्ट मैकेनिज्म हार्मोनल मैकेनिज्म देखते हैं ये हार्मोनल मैकेनिज्म जैसा नाम है हार्मोन से होगा तो कुछ हार्मोन्स इंक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर वहीं हमारे कुछ हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्रीज करने वाले हार्मोन्स की यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो थोड़ा अलग बिहेव करते हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे पहले पाकिस्तान की करते हैं तो सब सबसे पहले हम की बात करते हैं हमें पता है एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है और डायस्ट्रोलिक प्रेशर बढ़ाएगा एल्डोस्टिरोन एड्रिनल कॉटेक्स से रिलीज होता है अभी हमने देखा सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा हमारा था वेसोप्रेसिन पीट्यूट्री से रिलीज होगा कंस्ट्रिक्शन एंजियोटेंसिन, सेरोटोनिन, सेम, सब विजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे लेकिन जो हमारा और थायरोक्सिन है, ये थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं हमारा एड्रीनलिन एडिनल मेडोल से होता है और थायरोक्सिन थारॉयड ग्लैंड से दोनों ही सिस्टोलिक प्रेशर को तो इंक्रीज करते हैं लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज करते हैं ये दोनों तो हमारे सेम मैकेनिज्म से हैं इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट एंड कार्डियक आउटपुट यहां पर चेंज है कि डिक्रीज इन डायस्टोलिक एड्रीनलिन के थ्रू टोटल पेरिफेलर रेजिस्टेंस रिड्यूस करके होता है वहीं हमारा जो थायरोक्सिन है इसमें डिक्रीज हमें पता है थायरोक्सिन हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में काफी काम करता है तो उसकी वजह से मेटाबोलाइट्स इंक्रीज हुए यानी वेजोडाइलेशन एंड दस डिक्रीज इन दी पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया ये ने इसने वापस से डिक्रीज कर दिया अब हमारे वो हॉर्मोन्स जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं वीआईपी आई प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेडिकाइनिन प्रोस्टाग्लैंड हिस्टेमिन एसिटिलकोलिन एनएफ एट्रियल नेट्री फैक्टर ब्रेन नेट्री पेप्टाइड वेजोडाइलेशन इनका एक बेसिक काम है ये दोनों आपस में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हॉर्मोन्स हार्मोनी बनाके हमारा पूरा ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे लास्ट मैकेनिज्म हमारा लोकल मैकेनिज्म है अब लोकल मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहां पर काफी मेन रोल हमारे एंडोथीलियल सेल्स का है एंडोथीलियल सेल्स हमें पता है जो भी हमारी वेसल्स होती है, उनकी epithelial cells cells हैं उनकी एपीथीलियल सेल्स को एंडोथ सेल्स कहते हैं यही एंडोथेलियल सेल्स हमारे दोनों ही चीजें रिलीज करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर्स भी डायलेटर्स भी जो मेन वेजो कंस्ट्रिक्टर ये रिलीज करते हैं इट इज एंडोथिलिन और जो मेन वेजो डायलेटर ये रिलीज करते हैं इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम मेटाबॉलिक ऑरिजिन की बात करते हैं जो हमारे वेजो डायलेटर्स को रिलीज करें वो है हमारा काफी हम जानते हैं सीओ टू ट एच प्लस और एडीनोसिन यानि ये भी हार्मोनी प्रोड्यूस करके हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन करेंगे इसी के साथ हमारे चारों मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के खत्म होते हैं आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज प्लीज राइट डाउन देम इन दमेंट सेक्शन थैंक यू